गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स आज हम लेसन नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। अब सॉर्टिंग मटेरियल मतलब क्या और ग्रुप्स तो पता ही है आपको, ग्रुप्स मतलब उन्हें अलग अलग समूह में बांटना। अब सॉर्टिंग मतलब जो मटेरियल्स होता है उसे अरेंज करना, वो भी सेम जो चीज़ें होती है उसे अरेंज करना। जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको, है ना, ये ऑयल की कैन रखी हुई है इधर, तो ये जो सेम ऑयल की कैन है उसे, उन पूरी कैन्स को एक जगह रखा गया है, फिर दूसरी कैन को मतलब दूसरी कंपनी की जो कैन है उसे एक जगह रखा गया है। तो इस रैक में जितने भी प्रोडक्ट उन्होंने अरेंज किए हैं ये बराबर उनके प्रोडक्ट के साथ ही उनके पेयर बनाए हुए हैं। मतलब जैसे कि ये ऑयल अलग कंपनी का है तो इसके इसको उन्होंने अलग जगह पे रखा है, इसको उन्होंने अलग जगह पे रखा है। तो हमारे घर में भी जैसे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है कि जिसे हम लोग अरेंज करके रखते हैं, है ना, अलग अलग जगह पर अरेंज करके रखते हैं। तो इस लेसन में हमें वही पढ़ना है कि हमारे घर में तो बहुत सारी चीज़ें होती है, किचन में देखो कितनी सारी चीज़ें होती है, हॉल में, बेडरूम में, सभी जगह। तो हम क्या पूरी चीज़ों को मतलब ला के क्या ऐसे डाल देते हैं क्या कि कहीं पर भी पड़ी रहे और वहाँ से उठा के ले लेते हैं? नहीं। यदि ऐसा यदि हम करते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है किसी चीज़ को ढूंढने के लिए। तो हम लोग क्या कैसा अरेंज करते हैं, जैसे किचन की जो चीज़ें हैं पूरी किचन में अरेंज करते हैं, हॉल की जो चीज़ें हैं पूरी हॉल में रखते हैं, बेडरूम की चीज़ें हैं पूरी बेडरूम में। तो ऐसा अलग अलग उन्हें मतलब रखने से क्या होता है कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो हमें इजीली मिल जाती है, उसे कहा जाता है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो इस लेसन में हम वही पढ़ेंगे। लुक अराउंड यू इन योर रूम और क्लासरूम, व्हाट डू यू सी, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज थिंग्स, कैन यू क्लासिफाई देम इन डिफरेंट ग्रुप्स। इन दिस चैप्टर वी विल फाइंड आउट हाउ टू सॉर्ट मटेरियल इनटू ग्रुप्स। आपने देखा है कि आपके क्लासरूम में भी बहुत सारी जो चीज़ें होती है, तो क्या ऐसे बेंचेस वगैरह हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं क्या? नहीं, उसे बराबर पर्टिकुलर रो में अरेंज करते हैं। तो ये जो सभी चीज़ें हैं हम लोग अरेंज करते हैं, उसे अरेंज क्यों किया जाता है, क्यों ज़रूरत होती है उसको अरेंज करने की, इस लेसन में हमें पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट इज हियर, ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ऑब्जेक्ट मतलब चीज़ें, ओके, अराउंड अस मतलब हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। वी हैव सीन देयर आर अ वेरीफाई ऑफ फूड आइटम्स एज वेल एज फैब्रिक्स। सिमिलरली वी कैन सी अ वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर इफ यू लुक अराउंड इन योर रूम। यू विल फाइंड चेयर, टॉयज, बेड, क्लॉथ्स, बुक्स, कंप्यूटर, पेंसिल बॉक्स एटसेट्रा। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट यूजेस एंड आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वॉन्ट टू क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देअर क्यूबॉइड शेप, देन वी कैन मेक अ लिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ बुक्स, अलमारी, पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स एटसेट्रा। सिमिलरली वी कैन ग्रुप द ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल दे आर मेड फ्रॉम। सो स्टूडेंट, हमें पता है कि जैसे हम देखते हैं अभी कि हमारे पास जो चीज़ें, जैसे हमारी बैग होती है स्कूल की, तो हमारी स्कूल की जो बैग होती है उसमें सभी जो बुक्स हम लोग अरेंज करते हैं, क्या ले जाके उसको डाल देते हैं कि बुक के अंदर? नो, हम लोग क्या करते हैं कि जो कॉपी होती है उसे एक साइड अरेंज करते हैं, जो बुक होती है उसे एक साइड अरेंज करते हैं, हमारा पेंसिल बॉक्स एक साइड रखते हैं, है ना, और जो टिफिन, बास्केट, वाटर बॉटल सबको अरेंज करते हैं, तभी हम लोग स्कूल में जाते हैं। तो ये जो अरेंज करना होता है सभी चीज़ों का, इसे ही क्या कहा जाता है, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। मतलब जो भी मटेरियल होता है उसे अलग अलग करके ग्रुप में रखना। अब ये यहाँ आपको पिक्चर में दिख रहा है ऑब्जेक्ट अराउंड अस। अब देखिए आपको यहाँ क्या दिख रहा है, सभी चीज़ें कचरे के जैसी पड़ी हुई है। अब यदि ये जो चीज़ें पड़ी हुई है, इन चीज़ों में से किसी चीज़ की हमें ज़रूरत है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले तो ढूंढना पड़ेगा, है ना। यहाँ डॉल है, DVD है, टॉर्च है, मोबाइल है, ये और मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो दिखाई, बैग है, एक बॉटल का ढक्कन दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें ऐसी कचरे के जैसे पड़ी हुई है। तो ये जो कबाड़ पड़ा हुआ है इसमें से कोई भी चीज़ इजीली मिलेगी क्या? नो, हमें बहुत प्रॉब्लम होगी किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए। स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्टिविटी 4.1, ओके, C2 एक्टिविटी 4.1, कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट लाइक पेंसिल, शार्पनर, बुक्स, टॉयज, लंच बॉक्स एटसेट्रा। यू मे कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल।
आपको क्या करना है, कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट जैसे पेंसिल, शार्पनर, बुक, टॉय, लंच बॉक्स एटसेट्रा, ये सभी जो चीज़ें होती है उसे आपको क्या करना है, जैसे भी चीज़ें पॉसिबल मिलती है उन्हें कलेक्ट करना है। नाउ ट्राई टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट विच आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स एंड विच आर नॉट मेड ऑफ प्लास्टिक अकॉर्डिंगली फिल टेबल 4.1। यहाँ एक टेबल दिया है 4.1 का, ग्रुपिंग मटेरियल। ओके, एक ग्रुप में एक बॉक्स दिया है उसमें प्लास्टिक मटेरियल्स एंड दूसरी बॉक्स में नॉन प्लास्टिक मटेरियल्स। हमें क्या करना है, प्लास्टिक मटेरियल में जैसे कि फर्स्ट है मग। अभी जो मग होता है ये प्लास्टिक का होता है ना, मग तो सभी के घर में होता है, सभी को पता है ये प्लास्टिक का होता है, इसलिए हमने इसको प्लास्टिक मटेरियल में रखा। देन नॉन प्लास्टिक मटेरियल जो ग्लास, अभी जो ग्लास है मतलब कांच है, तो ये कांच प्लास्टिक का नहीं होता इसलिए इसको नॉन प्लास्टिक मटेरियल में रखा है। तो स्टूडेंट ये टेबल आपको फिल करना है कि जो प्लास्टिक मटेरियल है उसको प्लास्टिक मटेरियल में उसके नेम्स लिखोगे, देन नॉन प्लास्टिक मटेरियल्स जो है वो नॉन प्लास्टिक मटेरियल्स में लिखोगे। ठीक है, ये टेबल आप लोग फिल कर लोगे। नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, मतलब ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। कुछ चीज़ें प्लास्टिक की होती है, कुछ चीज़ें कांच की होती है ना, कुछ चीज़ें फाइबर की होती है, ऐसे अलग अलग टाइप से के जो चीज़ें होती है उनसे वो मटेरियल बना हुआ होता है। मेनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, दिस मटेरियल मे बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर एट्सेट्रा। ये इतने सारे चीज़ों से चीज़ें बनी होती है, कुछ चीज़ें ग्लास की होती है, कुछ मेटल की होती है, कुछ प्लास्टिक की, वुड की, कॉटन की और पेपर की। सो नेक्स्ट एक्टिविटी है 4.2, लुक एट फिगर 4.1 एंड लिस्ट आउट वेरियस ऑब्जेक्ट्स सी देयर, नाउ आइडेंटिफाई द मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर टीचर एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल, नाउ कंप्लीट टेबल 4.2। मतलब यहाँ आपको क्या करना है कि जैसे ये जो चीज़ें दी है यहाँ पे, ठीक है, 4.1 में ये सारी जो चीज़ें दी है इसमें से आपको ढूंढना है कि कौन सी चीज़ें प्लास्टिक की है और कौन सी चीज़ें मतलब दूसरे मटेरियल की है। ठीक है, जैसे जो चीज़ें मतलब कौन सी कुछ चीज़ें प्लास्टिक की है, कुछ मेटल की है, कुछ वुड की है, तो जैसे कि फर्स्ट है टॉर्च, है ना, अबे टॉर्च किससे मिलकर बना हुआ है, प्लास्टिक एंड ग्लास, है ना, ग्लास भी लगा होता है फ्रंट में उसके सामने में, तो टॉर्च हम लोग इधर ऑब्जेक्ट में टॉर्च लिखेंगे और इधर लिखेंगे प्लास्टिक एंड ग्लास। तो ये टेबल आपको फिल करना है ना, फर्स्ट दिया हुआ है टॉर्च, प्लास्टिक एंड ग्लास। अब सेकेंड है इसमें, तो सेकंड में डीवीडी। अब डीवीडी किससे मिलकर बनी होती है, सीडी जो होती है, सीडी प्लेयर की जो सीडी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो किससे होगी, वो मेटल से, और मेटल के बाद उसमें क्या होता है कि मेटल होता है, प्लास्टिक भी होता है, तो आप लोग वहाँ लिखोगे। तो यहाँ से चीज़ें ढूंढकर आपको लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सेम मटेरियल, कुछ चीज ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो सेम मटेरियल से बने होते हैं। मेनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस मे बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल चेयर, टेबल, अलमारी, डोर्स एटसेट्रा आर मेड ऑफ वुड। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, फॉर एग्जाम्पल चेयर, ये चेयर जैसे वुड की बनी है, टेबल भी वुड का बना है, अलमारी हमारे घर की जो है वो भी वुड की बनी है, डोर्स भी वुड के बने होते हैं, ये सभी चीज़ें जो होती है वो एक ही टाइप के मटेरियल से बनी हुई है, और मटेरियल कौन सा है, वो ऊट का, है ना, लकड़ी से मिलकर बनी है। नेक्स्ट एक्टिविटी 4.3, थिंक अ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक वुड, पेपर, लेदर एटसेट्रा एंड एवरी डे ऑब्जेक्ट्स यू नो दैट आर मेड ऑफ दिस मटेरियल्स, राइट देम इन टेबल 4.3 गिवन बिलो। ओके स्टूडेंट, आपको क्या करना है कि एक्टिविटी 4.3 यहाँ जो टेबल दिया है नीचे, तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, जैसे कि वुड। अब ये जो वुड है, तो वुड मतलब वुड से क्या क्या बना, चेयर, टेबल, डोर, अलमारी। ठीक है, अब पेपर, अब पेपर से कौन सी चीज़ें बन रही है, वो आप पेपर की चीज़ों को यहाँ पर लिखोगे। देन लेदर, अब पेपर से बनने वाली चीज़ें बहुत सारी चीज़ें जो पेपर से मिलकर बनी हुई होती है ना, जैसे एनवलप बनते हैं पेपर से, और ये अपने कॉपी जो होती है वो भी पेपर से मिलकर बनती है, तो ये वहाँ पर लिखोगे। अब लेदर, लेदर से बनने वाली चीज़ों के बारे में लिखोगे, लाइक दिस पर्स जो होते हैं वो लेदर के बने हुए होते हैं, बेल्ट होते हैं लेदर के बने हुए, शूज़ होते हैं लेदर के बने हुए, तो वो ऐसी चीज़ें आप लोग लिखोगे, सोचना है आपको और लिखना है। देन प्लास्टिक, प्लास्टिक में तो बहुत सारी चीज़ें आपके घर में ही चारों ओर बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है। नेक्स्ट कॉटन, कॉटन से मिलकर बनी हुई चीज़ें, जैसे कि हम लोग जो कपड़े पहनते हैं वो कॉटन से ही मिलकर बने होते हैं, तो ऐसे इन मटेरियल्स के बारे में लिखना है कि जो एक ही मतलब कॉटन से ही दो चार चीज़ें जो बनती हैं उनके नाम लिखना है। वॉट Do we find from the above tables? We can group the object on different basis and different ways.
ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल्स. एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड ऑफ मेनी मटेरियल्स. वन मटेरियल्स कैन बी यूज टू मेक मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट. एन एक मटेरियल से बहुत सारी चीज़ें हम लोग बना सकते हैं. ये टेबल से हम मतलब क्या पता चलता है हमें कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बने होते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक ही मटेरियल का यूज़ होता है उससे बहुत सारी चीज़ें मिलकर बनती है, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सिंगल मटेरियल का यूज़ करके ही बनते हैं, है ना. ये टेबल में से इतनी बातें हमें पता चलती है. नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. अब ये मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी होती है मेन वो क्या है. हैव यू एवर सीन अ टम्बलर मेड ऑफ क्लॉथ, कुकिंग वेसल्स मेड ऑफ पेपर और वुडन टायर्स ऑफ अ कार. सो हाउ कैन वी डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज टू मेक एन ऑब्जेक्ट. दिस इज डन बाय नोविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. वाइल चूजिंग अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड. हम लोग ये पॉइंट्स दिए हैं, इसको पढ़ेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज. फर्स्ट है द पर्पज फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज. फर्स्ट तो हम लोग को देखना है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ यूज हो रहा है. सेकेंड पॉइंट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स, उस मटेरियल की हमें प्रॉपर्टीज देखना है. सो लेट अस फाइंड आउट वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल. जैसे कि प्रॉपर्टीज, ओके, प्रॉपर्टीज मतलब जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं. अब कार के मतलब जो टायर बनते हैं उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, जो लाइट वेट चीज़ें होती है उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है. उस प्रॉपर्टी को देखकर हम चीज़ों का यूज़ करते हैं. जैसे प्लास्टिक की चीज़ कहाँ पर यूज़ होगी, मान लो एक बहुत बड़ा ट्रक है और उसको हमने सादे प्लास्टिक के यदि टायर लगा दिए तो क्या वो ट्रक चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि वो बहुत हैवी लोडेड ट्रक होता है. तो उसके लिए हमें जो टायर है उनका ही यूज़ करना पड़ेगा. और कौन से टायर, जो हमारे उसमें गाड़ी में यूज़ होते हैं, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखकर ही उस चीज़ का यूज़ करना होता है. सपोज़ हमारे पास टॉर्च है, अब टॉर्च के फ्रंट में यदि हमने वुड लगा दिया काट के तो वो वुड वहाँ पे काम करेगा, लकड़ी का टुकड़ा यदि लगा दिया काट के तो काम होगा, नहीं. वहाँ पर हमें ग्लास ही लगाना है. क्यों, यदि ग्लास लगाएंगे तभी तो उसका लाइट आएगा, यदि वुड लगाएंगे तो लाइट आएगा नहीं. इसीलिए उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखकर ही हमें उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है, ठीक है. नेक्स्ट अपीयरेंस, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस यूजुअली लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल वुड लाइक डिफरेंट फ्रॉम स्टील, रबर अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम आयरन, बट एट द सेम टाइम कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम शोज सम सिमिलरिटीज. जैसे अब यहाँ पर जो है वुड जो है वो स्टील से अलग होता है, डिफरेंट होता है. रबर जो है वो आयरन से डिफरेंट होता है, यानी दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है. रबर की प्रॉपर्टी अलग है, आयरन की प्रॉपर्टी अलग है. बट जो कुछ मेटल्स होते हैं लाइक दिस कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सारे जो मेटल्स होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होती है ना. इनके जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होती है, मतलब सेम जगह पर हम इसे यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिविटी 4.4, कलेक्ट सम पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल लाइक वुड, पेपर, एल्यूमिनियम, रबर, आयरन, कॉपर एटसेट्रा. नाउ विद द हेल्प ऑफ अ कटर कट द मटेरियल्स इंटू टू पीस एंड ऑब्जर्व द फ्रेशली कट सरफेस. यहाँ जो टेबल दिया है यहाँ हमें देखना है कि जैसे मटेरियल विथ शाइनी सरफेस एंड मटेरियल विथ डल सरफेस. अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो चमकती है, कुछ चीज़ें नहीं चमकती. अब शाइनी सरफेस मतलब ऐसी चीज़ें कि जिनका जो सरफेस यानी उसमें से चमक दिखती, चमकीला दिखाई देता है वो. जैसे कि कॉपर तो सभी को पता है, सभी के घर में भगवान के पूजा के पास जो हम लोग वो लोटा यूज़ करते हैं वो कॉपर का बना होता है ना. तो उसको यदि अच्छे से वॉश करने के बाद वो कैसा शाइनिंग करता है, ठीक है. हमारे घर में यदि कॉपर की कोई भी चीज़ है तो वो उसको यदि अच्छे से वॉश किया हमने तो वो एकदम शाइन करने लगती है. क्यों, क्योंकि ये जो कॉपर होता है इसकी जो ये मतलब शाइनी सरफेस होता है, ठीक है. देन रबर, अब रबर को आप लोग कितना भी अच्छे तरीके से वॉश करो तो वो शाइन करेगा, नहीं शाइन करेगा, तो रबर शाइन नहीं करेगा. देन एल्यूमिनियम शाइन करेगा, बट वुड शाइन करेगा क्या, नो, वुड शाइन नहीं करेगा. नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हो फिर, जैसे एल्यूमिनियम के बाद फिर सिल्वर भी लिख सकते हैं हम लोग. तो सिल्वर, अब सिल्वर मतलब चांदी, चांदी से बनी हुई कोई भी चीज़ वो भी शाइन करेगी, है ना, बहुत ज़्यादा शाइनिंग करेगी. फिर उसके बदले में यदि प्लास्टिक लिखेंगे तो क्या प्लास्टिक शाइनिंग करेगा सिल्वर के जैसे, नहीं करेगा.
ये हो गई उसकी प्रॉपर्टीज। आपको समझ में आ ही गया होगा कि शाइनी सरफेस मतलब क्या और डल सरफेस मतलब क्या। शाइनी सरफेस यानी जो चीजें चमकती है वो पूरी शाइनी सरफेस में आती है, और जो चीजें चमकती नहीं है डल दिखती है वो डल सरफेस में आती है। फ्रॉम द अबो एक्टिविटी वी फाउंड दैट कॉपर आयरन एंड एल्यूमिनियम हैव अ शाइनी सरफेस वेयर्स वुड एंड रबर हैव डल सरफेस। ऑन द बेसिस ऑफ शाइनिंग प्रॉपर्टी वी कैन क्लासीफाई मटेरियल। अब इस मटेरियल को भी क्लासीफाई किया गया है, ओके, टू टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, लस्टर ऑब्जेक्ट एंड नॉन लस्टर्स ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट, यहाँ तक हमारा आज का ये एक्सप्लेनेशन एंड होता है। नेक्स्ट पीरियड में लस्टर ऑब्जेक्ट एंड नॉन लस्टर ऑब्जेक्ट्स, नेक्स्ट लेसन में बाकी जो पार्ट है उसे मैं एक्सप्लेन करके दूंगी। थैंक यू।